और जहाँ पर कि आपको वेजिटेरियन फूड ही नहीं मिलता। लोग यहाँ पर बीफ, चिकन, मटन सब दबा कर खाते हैं, लेकिन जो बंदा वेजिटेरियन है उसके लिए कुछ खाना नहीं मिलेगा आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ एलएपी के अंदर और हॉस्टल जो मेरा है वो जोस्टल। जोस्टल हर जगह का बेस्ट मिलेगा आपको, हर जगह अच्छा मिलेगा। गोस्ट स्टॉप्स भी यहाँ पर है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 बार रुक कर देखा लेकिन अच्छा नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ एलएपी के अंदर जो शिकारा बोट राइड जो फेमस है, एलएपी इसी के लिए फेमस है, मैं वहाँ जा रहा हूँ बोट राइड के लिए। तो अभी निकलते हैं, आपको मैं हॉस्टल भी दिखाऊँगा। पिछली वीडियो में वैसे मैंने आपको दिखा दिया है, थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो चलो अभी निकलते हैं बोट राइड शिकारा के लिए। बड़ी प्रॉब्लम में हम, अब मदद करोगे क्या तुम? इनको डाउट ना हो इसीलिए अब सांग में बात करना तू। हो गया okay. ये कुछ चलता है भाई हॉस्टल में, देख लो आप। हम 6 लोग हैं, हमने ये ऑटो बुक कराया। अभी 6 लोग तो मुश्किल से आएंगे क्योंकि पीछे 4 भी बैठ जाएंगे तो आगे 3 नहीं बैठ पाएंगे। भाई ब्रेक लगा, ये देखो मजा आने वाला है। शिकारा आज बोल रहे हैं कि कोई मतलब पॉलिटिशियन आया हुआ है वहाँ पर, तो शिकारा चल नहीं रहा है। देखते हैं, वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगा है। नॉर्मली 700 रुपये प्राइस होता है एक बोट का और आज है 2500। तो हम सोच रहे हैं कि कल सुबह कर लेंगे क्योंकि आज हमें इतना जल्दी तो है नहीं, एक दिन और रुक जाएंगे एलएपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये भाई है ऑटो वाले हमारे, और ये हमारे हॉस्टल के मैनेजर हैं। Look at the manager. ये हॉस्टल है सामने। ये देखो भाई, ये शिकारा है, आप देख सकते हो सामने। मेरे को नहीं लगता कि ये वर्थ इट है यार, मतलब कुछ सजा धजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बोट है, इसकी राइड करनी इस नदी के अंदर मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। ये बंदा 3000 रुपये मांग रहा है 6 लोगों के, मतलब पूरी बोट आपकी, 6 लोग आप बैठ के इंजॉय करना, मेरे को वर्थ इट नहीं है, मैं नहीं करूँगा ये। 3000 रुपये बहुत हो जाते हैं यार, मतलब कि बोट देखो आप, बोट देखो आप, ये बोट है, वो देखो सामने रही है एक बोट, दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे को बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। जो हमारे हॉस्टल के मैनेजर थे ना, उनका नाम जोस है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उन्होंने भी बोला था कि यार वर्थ इट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। नॉर्मल बोट राइड मैंने कितनी कर रखी है यार, साउथ अमेरिका में इतनी बोट राइड की है, मैं बस थक चुका हूँ। ये सिर्फ एक लग्जरी टूरिस्टिक थिंग है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं एक ट्रैवलर हूँ, ऐसी चीज़ें करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो, ये एलएपी सिटी है। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, आपको टेंपल हर जगह मिलेगा। देखो यहाँ पर टेंपल, वहाँ सामने भी टेंपल है। और एलपी सिटी ठीक है, मेरे को कोई ज़्यादा मतलब कि बीच साइड इसकी ज़्यादा अच्छी है, जो ये जो सिटी आपको दिख रही है अभी, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा है, सही बताऊँ, पहले हम थे कोच्ची में, कोच्ची में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, एलएपी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी है। बिना पंखे के एसी के आप रह नहीं सकते यहाँ पर। और अभी सब लोग ये बोल रहे हैं कि आप गलत टाइम पे आए हो, क्योंकि अभी ओनम फेस्टिवल चल रहा है, तो फेस्टिवल की वजह से सब कुछ महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा, बोट राइड वगैरह है। और जब हॉलीडे ना हो तब आया करो, जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने ये बोला। अभी मैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, पहले खाएंगे और फिर बोट राइड पे जाएंगे। ये देखो, ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हमने देखा था ऑनलाइन,
और ये टोटली बंद पड़ा है। और इससे पहले जो हमने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। मतलब कि यार केरला के अंदर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज से पहले मैं जब जितनी भी सिटी में गया हूँ हम हमेशा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और वहाँ वो ना या तो बंद मिलेगा या फिर उनके पास जो हम मांग रहे हैं वो खाना नहीं मिलेगा, मतलब है ही नहीं। चल यार ये देखो भाई, मेरे को लग रहा है कि केरला के लोगों ने वेजिटेरियन खाना छोड़ ही दिया। और एक और रेस्टोरेंट पे आया मैं और ये भी बंद है। अब बंदा करे तो करे क्या, जो बंदा वेजिटेरियन है वो इंडिया में रह के भी वेजिटेरियन नहीं मिल रहा तो दुनिया में कहाँ मिलेगा। मतलब कि हद होगी यार, सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में रहते हैं और फिर भी अपने को वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। एक दो तो आपको बंद दिखा दिए, एक बहुत ज़्यादा महंगा था और तीसरा और चेक कर रहे हैं यहाँ पर गोकुलम है कोई, वो चेक करते हैं वो खुला मिलता है। उडुपी का नाम ही गोकुलम है। नहीं नहीं यार, कल किसी ने ऑर्डर किया है गोकुलम से। ये देख लो आखिरी होप थी हमारी, आर्या भवन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और ये भी बंद है। अब बंदा क्या करे। लोग कहते हैं कि केरला जो सबसे एजुकेटेड स्टेट है और जहाँ पर कि आपको वेजिटेरियन फूड ही नहीं मिलता, लोग यहाँ पर बीफ चिकन मटन सब दबा कर खाते हैं, लेकिन जो बंदा वेजिटेरियन है उसके लिए कुछ खाना नहीं मिलेगा आपको किसी को भी। अब देख सकते हो तीन रेस्टोरेंट तो मैंने आपको साफ सामने दिखा दिए जो बंद है। एक ओपन था और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो अकेला ही रेस्टोरेंट बचा है एलएपी के अंदर जो कि आपको वेजिटेरियन फूड दे सकता है, तो उसकी मोनोपोली है और वो जितना मर्जी रेट रखेगा जिसको वेजिटेरियन खाना है वो खाएंगे। अभी देखो इंडिया में रहकर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि पैटीज वगैरह खा कर काम चलाना पड़ेगा। देखो वेज पफ खाऊंगे अभी और उसकी उसी से काम चलेगा। ये देखो भाई वेज पफ से हमने काम चलाया और कल रात को भी हमने ब्रेड केले और पीनट बटर का सैंडविच बना कर खाया था। दो दिन हो गए रोटी नहीं खाई है, वेजिटेरियन फूड नहीं मिल रहा यहाँ पर देख लो केरला में आकर, इंडिया में होकर यार। चलो अभी चलते हैं, निकलते हैं, फेरी लेते हैं और आपको थोड़ी बहुत जो शकीरा तो हम नहीं लेंगे, शकीरा काफ़ी महंगा है और जो गवर्नमेंट बोट चलती है इनकी फेरी 20-20 रुपए में, तो वो देखते हैं वो गांव में जाती है तो वो वहाँ से आपको जितना भी हो सका वही दिखा पाएंगे हम, बाकी ज़्यादा तो पता नहीं। वही सेम जगह पे जाती है गवर्नमेंट फेरी भी, लेकिन जो शकीरा है वो प्राइवेट है, वो आप जहाँ चाहो रोक सकते हो, जिधर मतलब ज़्यादा इधर उधर तो नहीं लेके जा सकते, बस उन्हीं के हाथ में है। बट ये है कि जहाँ चाहो रोक सकते हो फोटोज़ वगैरह के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट वाला है वो रुकेगा नहीं। ये देखो ये है शिकारा, अभी हम स्टेशन पे आ गए हैं फेरी वाले स्टेशन पे, जेटी स्टेशन बोलते हैं इसको। जहाँ पर भी आप जाओगे कोची में या फिर एलएपी में ये जेटी स्टेशन से होगा, गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये जेटी आ जाएगा। और जो सामने बोट खड़ी है A8 वैसी बड़ी बोट होगी, सभी लोग एक साथ जाएंगे। और अभी उन्होंने बताया, क्या नाम बताया उस गांव का, कोटायम नाम का गांव है, उसमें जाएंगे हम। और वही हमें पिछले हॉस्टल में रुके हुए थे हम कोची में, वहीं पर बताया था एक बंदे ने कि कोटायम जरूर जाना, वो सबसे अच्छी जगह है। तो ये बोट सरकारी जो बोट है वो वहीं पर जा रही है, तो अच्छा हुआ कि हम सरकारी वाली बोट लेंगे। जो हमारे साथ चार लोग और आए थे वो तो कहते यार हम दोबारा कभी एलपी आ नहीं पाएंगे, तो हम वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेरी ले, वो शिकारा ले लेते हैं। मैंने कहा चलो भैया आपकी मर्ज़ी है, मैं तो नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा महंगा है, 2700 रुपये बहुत है यार, नॉर्मल 700 रुपये में मिलती है। कल भी हम अगर लेंगे तो अभी 700 में मिल जाएगी, लेकिन आज 2700 में मिल रही है। जान रही है ना? नो हिंदी ओनली। 230 230 एक घंटे। अच्छा नहीं, ओके ओके ओके। ये देखो ये जो वो गवर्नमेंट बोट है जो कि 230 पे जाएगा, अभी ये वापस आया है। और यहाँ इस बोट में 3 घंटे बोल रहे हैं यार, 3 घंटे मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे लगेंगे, धीरे धीरे चलती होगी बिल्कुल, इसीलिए काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं यार इससे, बहुत ज़्यादा लोग, फुल रहती है ये हमेशा क्योंकि दूसरी बहुत ज़्यादा महंगी है ना आज, इसीलिए। ये देखो ये है वो गवर्नमेंट बोट और हमने ले लिया है, 29 रुपये टिकट है ना, 29 रुपये टिकट है इसकी और 3 घंटे का सफ़र होगा इसमें कोटायम पहुँचने के लिए। 3 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे यार, 2:30 बजे ये चलेगी, 3 घंटे तो 5:30 वहाँ पहुँचेंगे, वापस आएंगे 3 घंटे 8:30 हो जाएंगे यार, और अगर आधा घंटा रुकेंगे भी वहाँ देखते हैं अभी क्या कुछ रहता है।
देखो ये सारी शिकारा बोट है और अभी हमारी गवर्नमेंट बोट भी चल पड़ी है। ये देखो सब लोग हैं इसके अंदर, इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। नहीं यार मेरे को ठीक लगी ये गवर्नमेंट बोट, लेने में फ़ायदा है, 2700 रुपये देकर वर्थ इट नहीं है। आप भी आओ तो यही कोशिश करना कि गवर्नमेंट बोट लो। बाकी अगर फैमिली के साथ बंदा हो, मतलब कि 5-7-10 लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तो आप ले सकते हो। अगर आप दो बंदे हो तो अकेले बोट लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके दो बंदों में डिवाइड होगा। नॉर्मली 1000 रुपये में 700 रुपये में मिल जाती है, आज महंगी है बस। 1000 रुपये में भी हो 3-4 बंदे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये भी गवर्नमेंट बोट है, काफ़ी चलती है। ये देखो सामने जो है, देख के ही आपको पता चल जाएगा कौन सी गवर्नमेंट बोट है और कौन सी शिकारा है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है बोट हाउस। आप चाहो तो रात को इसमें स्टे कर सकते हो, रूम बुक करवा सकते हो और आराम से स्टे कर सकते हो। इसका प्राइस भी मैं आपको पता करके बताऊंगा। अभी हम एक लेक के अंदर आ गए हैं, बड़ी सी लेक है। आपको काफ़ी सारे बोट हाउस इस पे तैरते हुए दिखेंगे, अलग अलग शिकारा, काफ़ी बड़ी लेक है ये। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर बोट हाउस ही दिखेंगे लेक में। आधा घंटा हो गया हमें निकले हुए, और ये जो गवर्नमेंट बोट है ना ये रुकती काफ़ी ज़्यादा स्टॉप पर है। आधे घंटे के अंदर 5 से 6 स्टॉप पर रुक चुकी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे बोट हाउस होते हैं। देखो दिखने में तो ठीक है, अब अंदर से पता नहीं कैसे होंगे, बाहर से तो हालत ठीक ठाक लग रही है। और इसका जो प्राइस है मैंने पता किया अभी, एक नाइट का 4 लोगों के लिए 20,000, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। ये देखो एक स्टॉप और आ गया, ऐसे छोटे छोटे स्टॉप बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा उतर रहे हैं लोग, वापस चढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है लेकिन बोट राइड में। बोट में मुझे ये अंकल मिले और इनसे मेरी काफी देर बात हुई। इन्होंने अपनी लाइफ की काफी स्टोरियां मुझे बताई। आंटी को तो हिंदी आती नहीं थी, तो आंटी अंकल को बताते थे पहले, फिर अंकल ट्रांसलेट करते थे मेरे लिए। तो काफ़ी देर, मतलब 1-1.5 घंटे मेरी अंकल से बात होती रही। और मैंने भी अंकल को बताया कि यहाँ पर वेजिटेरियन फूड बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो क्या हुआ कि जब अंकल का स्टॉप आया तो अंकल ने बोट रुकवाई और अंकल भागकर स्पेशली हमारे लिए कुछ खाने को लेने के लिए गए। लेकिन इतनी देर में अंकल वापस पहुंचते कि हमारी बोट निकल चुकी थी। इसी तरह आपको बहुत अच्छे लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाते हैं और आपके दिल को छू जाते हैं। इसीलिए मेरे को ट्रैवलिंग करना पसंद है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे इंसान मिलते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, और आपको पता लगता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी और सुंदर है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये इस बंदे ने रस्सी से खींच कर ऊपर उठाया है। और ऐसे पता नहीं कितने ब्रिज हम पहले छोड़ कर आ गए। ये बोट नीचे से गुजरती है, ये बोट इसके नीचे से गुजरती है, और ये भाई पुल ब्रिज उठा देते हैं। और ये पहले हॉर्न मारती है बोट वाले भाई, और नॉर्मल कोई भी रैंडम बंदा गांव से आकर ये ब्रिज उठा देता है।
मतलब कितना अच्छा सिस्टम है यार, गांव देखो छोटे छोटे इस नदी के ऊपर बैठे हुए। और हमने ये बोट 2:30 बजे ली थी और अभी 6 बजने वाले हैं और अभी तक हम पहुंचे नहीं है, देख लो कितने 3.5 घंटे हो गए। और ये देखो ये भाई यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं बोट की। मजेदार है यार गांव, मतलब कि लोग यहाँ पर बिल्कुल नदी के ऊपर रह रहे हैं और इस नदी में काफी ज्यादा सांप वगैरह भी है। जाते हुए हमने देखे कम से कम 5-6 सांप तो मैंने देख लिए है। और ये पानी पता नहीं आ कहाँ से रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी फैला हुआ है। आज की बोट राइड में मजा आ गया। मैं काफी देर, पता है सही बताऊं 1-1.5 घंटे तो मैं सो लिया, 1-1.5 घंटे मैं अंकल से बात कर रहा हूँ, मतलब तो मजा आ गया आज की बोट राइड में। अगर मेरे को लगता मैं शिकारा लेता तो इतनी दूर हम आ नहीं पाते, और शिकारा कोई भी आ ही नहीं रहा, ना यहाँ पर हाउस बोट आ रही है, सिर्फ यही बोट आएगी। और आप ये व्यू इंजॉय कर सकते हो, देखो पाम ट्री जो कोकोनट ट्री है उनका व्यू इंजॉय कर सकते हो साथ साथ, और देखो नदी में रिफ्लेक्शन देखो आप, मज़ेदार है, मज़ा आ गया आज। बस हम कोट्टायाम पहुँचने वाले हैं, लास्ट स्टेशन है, और वहाँ से चाय पीकर और फिर वापस निकल जाएंगे। चाय पिएगा भाई जो ड्राइवर है, और वो चाय पीकर हम हाथों हाथ वापस निकल जाएंगे। तो रास्ते में रात का सीन भी आपको दिखा देंगे थोड़ा बहुत, बाकी पता नहीं ज़्यादा कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये देखो सामने लास्ट स्टेशन आ गया है, ये देखो भाई रात को ऐसा नज़ारा दिखता है, बिल्कुल स्काई मतलब कि डार्क ब्लू कलर का हो चुका है और पेड़ पौधे बिल्कुल शांति है चारों तरफ। और अभी हम वापस जा रहे हैं बोट के अंदर, वापस लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है इस बोट में, लेकिन जो सफ़र है ना वो बिल्कुल शांत सुथरा, मतलब कि मज़ा आ जाता है, पीसफुल आपको लगेगा सफ़र। मैं तो 2 घंटे सो भी गया था बोट में। और ये देखो अभी बोट में कोई भी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, 5-6 लोग हैं, कुछ बच्चे, ये बच्चा खेल रहा है। अभी ज़्यादा लोग नहीं है रोड के अंदर। चलो अभी देखते हैं यार क्या करेंगे, वापस जाकर अंधेरा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में आपको एलएपी में थोड़ा बहुत कुछ और है तो दिखाएंगे, क्योंकि एलएपी में सिर्फ बोट जो बंदे टूरिस्टिक है ना, मतलब जो मतलब कि एक टूरिस्टिक तरीके से घूमने आते हैं, ट्रैवलर नहीं है, तो उनके लिए है, लेकिन वो यहाँ से ना एलएपी से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो वो मैं देखता हूँ अगर हो सका, क्योंकि अब देखो मेरे पास कोई गाड़ी बाइक तो है नहीं जो कि मैं वहाँ अकेला चले जाऊँ, और अगर टैक्सी वगैरह या स्कूटर किसी पर भी जाए, मान लो ऑटो पर भी जाए, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो देखेंगे अगर कोई हॉस्टल से जा रहा होगा तो उनके साथ जाएंगे और आपको दिखा देंगे। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।